28RR द्वारा मेगा चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। चार कुट गैरिसन के तत्वाधान में गुजरपट्टी गैरिसन से GHSS सोगाम लोलाब में मेगा मेडिकल और पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। ये पहल स्थानीय आबादी की भलाई और उत्थान के लिए भारतीय सेना के समर्पण का उदाहरण है। इस कार्यक्रम में आर्थोपेडिक और नेत्र विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों, दंत चिकित्सकों और पशु चिकित्सकों सहित चिकित्सा विशेषज्ञों और विशेषज्ञों की एक टीम ने स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित किया। इसके अलावा चिकित्सा शिविर केवल एक धर्मार्थ प्रयास नहीं है, बल्कि जिन समुदायों की वे सेवा करते हैं उनके साथ गहरे संबंध बनाने की ये सेना की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देता है। ये दर्शाता है कि सशस्त्र बल न केवल रक्षक हैं, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास में भागीदार भी हैं। इस अर्थ में लोलाब की घटना स्थानीय समुदायों के समर्थन में बहुआयामी भूमिका निभाने वाली सेना की ओर एक बदलाव का प्रतीक है, जो पारंपरिक रक्षा जिम्मेदारियों से परे उनके प्रभाव को बढ़ाती है। ये पहल सकारात्मक परिवर्तन, लोगों की भलाई और क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देने वाली ताकत के रूप में सेना की क्षमता का एक शक्तिशाली उदाहरण स्थापित करती है। ये लोलाब के लिए एक स्वस्थ और अधिक समृद्ध भविष्य की दिशा में एक कदम है, जो मजबूत सामुदायिक संबंधों और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच की विशेषता है। ये साबित करता है कि सेना उन क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक हो सकती है जहां उनकी उपस्थिति महसूस की जाती है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ उन्होंने ये कैंप लगाया है, जिसमें बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ, खासकर जो पूर्व फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, उनकी दवाई मिली है यहाँ से। क्योंकि आजकल अगर महंगाई है तो उस दवाई में ज्यादा महंगाई है। बहुत जो पूर्व फैमिली के होते हैं वो दवाई भी नहीं ले सकते, डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम होते बहुत। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं इंडियन आर्मी के, खासकर यहाँ जो कि CO साहब है यहाँ का, सोगाम का, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उसके, उसने अच्छा किया। अच्छी बात है, ये ऐसे होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए, हर साल होनी चाहिए, क्योंकि यही अच्छी फैसिलिटी है एक और फैमिली के लिए और लोगों के लिए। बहुत अच्छी बात है ये।